टिंडर या बम्बल पे क्या आपका भी अकाउंट है? भारत से लेकर अमेरिका तक ये डेटिंग ऐप कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कोलंबिया जैसे साउथ अमेरिकन देश में खासकर विदेशियों को चेतावनी जारी हुई है कि वो टिंडर या बम्बल जैसे मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। देखा गया है कि कई जालसाज विदेशियों को या तो नशीली दवाएं खिलाकर या किसी और तरह से झांसा देकर लूट रहे हैं। ऐसी वारदातें वहां लगातार बढ़ रही हैं। 2023 के अंत में वहां के कई शहरों में ऐसे डेटिंग ऐप्स के जरिए मिलने वाले कुछ लोगों की हत्या तक हुई है। इसलिए खुद को और अपने करीबियों को सेफ रखने के लिए आइए समझ लेते हैं कि ये अपराधी कैसे काम करते हैं। साफ है कि डेटिंग ऐप्स के जरिए अपहरण, जबरन वसूली जैसी घटनाएं केवल कोलंबिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही हैं। भारत का एक मामला देखिए जो 2018 में सामने आया था। जयपुर के एक 28 साल के व्यक्ति को किसी ने अकेले डेट पर बुलाया। जब वो मिलने पहुंचा तो वहां एक महिला ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया, फिर जबरदस्ती उसके पिता को फोन करवाया और 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने की मांग रखी। लेकिन जब पिता तुरंत इतना पैसा नहीं दे सके तो अपराधियों ने उस युवक की हत्या कर दी। एक और ऐप है ग्राइंडर, जिसे दक्षिण अफ्रीका में बैन करने की मांग उठ रही है। ये LGBTQI+ लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। वहां क्या हो रहा है? इस ऐप की मदद से लोगों को किडनैप किए जाने की घटनाओं में तेजी आई है। ब्राजील के शहर साओ पोलो के आंकड़े देखें तो 2022 में वहां होने वाले हर 10 में से 9 अपहरण टिंडर या किसी दूसरे डेटिंग ऐप के जरिए मिली डेट के दौरान हुए। डेटिंग ऐप का अपराधी कैसे इस्तेमाल करते हैं और इतनी आसानी से लोगों को कैसे फंसा लेते हैं देखिए। सबसे पहले एक फर्जी अकाउंट बनाया। ChatGPT और डैली जैसे AI टूल्स के कारण अब तो एक असली इंसान के जैसी नकली पर्सनालिटी गढ़ना पहले से कहीं आसान हो गया है। अब तो अपराधियों को किसी और की फोटो या पहचान चुराने की जरूरत ही नहीं रही, इसीलिए इनका झूठ पकड़ा जाना भी उतना आसान नहीं रह गया। ऐसे नकली अकाउंट का इस्तेमाल करके वो अपना शिकार खोजते हैं। रोमांटिक डेट पर बुलाने का झूठ बोलकर अपराधी अपने शिकार को किसी एकांत जगह पर मिलने के लिए मनाते हैं, फिर उन्हें लूट लेते हैं या नशीली दवाएं देकर उनका गलत फायदा उठाते हैं। कभी उनका सामान चुराकर उन्हें बुरे हाल में छोड़कर भाग जाते हैं। इंसान के वापस होश में आने से पहले ही कई बार उसके बैंक कार्ड और फोन में सेव प्राइवेट इंफॉर्मेशन चोरी हो चुकी होती है। कई बार अपराधी इसका इस्तेमाल करके उनके रिश्तेदारों से पैसे वसूलते हैं या खुद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। चिंता की बात यह भी है कि ऐसे अपराधी अक्सर पकड़े नहीं जाते। कारण ये कि ऐसे झूठे अकाउंट बनाने के लिए अपराधी खास फोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। ये फिरौती की रकम भी ऐसी जगहों पर डिजिटल पेमेंट से मंगवाते हैं जिनके सिरे हाथ नहीं आते। मिसाल के तौर पर ब्राजील में कई टिंडर लुटेरे फिरौती के पैसे QR कोड को स्कैन करके देने को कहते हैं। चूंकि पीड़ितों और अपराधियों के बीच सारी बातचीत का सबूत लोगों के फोन में होता है, इसलिए अपराधी उसे भी जरूर चुरा लेते हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे पुरुष जो सोशल मीडिया पर खुद को अमीर और साथ ही LGBTQI+ स्पेक्ट्रम का बताते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। अपराधी उन्हें आसान शिकार समझते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां उनके यौन रुझान को या तो स्वीकार नहीं किया जाता या दंडनीय अपराध माना जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डेट पर जाने की सोच रहे हैं जिससे आप अभी अभी डेटिंग ऐप पर मिले हैं, तो प्लीज सतर्क रहिए। अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। खुद को सेफ तो हम सब रखना चाहते हैं, है ना? तो देखिए, किसी अजनबी से मिलना ही हो तो मुलाकात के लिए कोई भीड़ भाड़ वाला पब्लिक प्लेस चुनिए। इससे आपके साथ कोई अनहोनी होने का जोखिम कम हो जाता है। हो सके तो अपने घर या होटल के कमरे में अकेले किसी से मिलने से बचिए, और जहां कहीं भी मिलने जा रहे हैं उसके पहले अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने प्लान के बारे में जरूर बताइए। अगर कोई लूटने की कोशिश करता है तो सामान दे दे, लेकिन अपने आप को बचाएं। अपराधी कई तरह के हथियारों से लैस हो सकते हैं, इसलिए अपनी जान को जोखिम में न डालें। और सबसे जरूरी बात कि अपने अंतर्मन की सुने। अगर कुछ भी खटके तो उस पर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह के झूठ या धोखे की भनक भी लगे तो फौरन वहां से निकल लें। आप सुरक्षित रहें। फिलहाल बस इतना ही।